हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म ए प्लस आईवी। ए प्लस आईवी की फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है ये सारे क्वेश्चन को। तो 7 क्वेश्चन पर आ गए हम, और इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने कराया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एलसीएम लेना है मुझे। तो एलसीएम ले लेते हैं हम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ क्या जाएगा 1 + k I 7। ठीक है, प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 मानेंगे। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे तो 12 + k I 1, या I लिख सकती हो या I 1 भी लिख सकती हो। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हुई। ठीक है, अब इसकी बारी आती है तो -k 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 I हो जाएगा, यहाँ 1 मानेंगे। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 3। और अब इस पूरे का ही कर देते हैं हम, इसका भी दोनों का कर दे रहे हैं तो जल्दी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ जाएगा 1 + k 1/7 + k 12 + k I, और यहाँ माइनस का साइन है ये। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए -k 4 + k 3 I। अब ये क्वेश्चन बना। ठीक है, अब जो प्लस हो रहा है उसे प्लस कर दी। अब 1 ये गया, इसे एक लाइन और बढ़ा लेते हैं यहाँ, 1 + k I 7 + k 12 + k I और +k 4 - -k 3 I / 3। क्या किया मैंने पता है, इस चीज़ को ऐसे ही लिखा रहने दिया मैंने, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये माइनस प्लस का हो गया और ये 3 I माइनस का हो गया। ठीक है, अब 1 ये है, अब इन्हें प्लस करते हैं, 1 और ये 12 13 और 4 17, कितना हो गया 17। तो यहाँ लिख देंगे 17 प्लस, और I वाले प्लस करते हैं 7 I और ये 8 I, 8 I में से माइनस कर देंगे 3 I, तो माइनस के 5 I, प्लस के 5 I बचा, 5 I / 3। अब इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हम, तो क्या कर देंगे यहाँ 17 / 3 + 5 I / 3। आपका क्वेश्चन यहाँ भी सही है। और इसे कन्वर्ट किस में करना है, Z = a + ib की फॉर्म में। तो लिख देंगे Z = 17/3 + k 5 I / 3। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों वाला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा है 1 - k I की पावर 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए कैसे, थोड़ा दिमाग लगाइए ना। इस तरह से लिख सकते हैं 1 - k I का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तभी तो 4 हो जाएगा ना, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का स्क्वायर करें अंदर वाले का, हम इसका a + b का होल स्क्वायर खोल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1² + k I का स्क्वायर और -k 2 I, अब इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है, देखिए अब i² = क्या होता है, -k 1, ये इसकी वैल्यू होती है। तो i² की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 1 - k और यहाँ हो जाएगा आई 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 स्क्वायर को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो -k 1 और -k 2 I, इसका भी स्क्वायर ही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या कर देंगे, देखिए तो 1 - k 1 - k 2 I इसका स्क्वायर। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या, -k 2 I का स्क्वायर, यही तो बचा। अब इसका स्क्वायर बचा, अब इसका स्क्वायर खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 I का स्क्वायर। अब I² यहाँ आ गया, अब इस I² की वैल्यू क्या होती है, -k 1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 - -k 1, अब यहाँ कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब माइनस का 4 आया, अब इसे कन्वर्ट किस में करना है, Z = a + IV की फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। ठीक है, तो ये अब इसे कन्वर्ट कर दी, अब यहाँ क्या है, अब I लगा होता तो यहाँ सेकंड पॉइंट पे लिखते हम, इमेजनरी पार्ट पे लिख देते, अब ये रियल पार्ट है तो यहाँ लिख देंगे हम Z = -k
प्लस के 0 i, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।